सभी का स्वागत है सुरागिला न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। होली एंजल पब्लिक स्कूल में क्रिसमस के उपलक्ष्य में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। विद्युत विभाग टीम ने एक युवक को विद्युत चोरी करते पकड़ा। तथेन चंद गुड़िया लॉ कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार को मिली PhD की उपाधि। एक वारंटी को कुंडेश्वरी पुलिस ने किया गिरफ्तार। ट्रैफिक पुलिस एवं CPU की टीम ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। भाजपा नेता दीपक बाली ने CM धामी को सौंपा मांग पत्र। समर स्टडी हॉल विद्यालय प्रांगण में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। सड़क पर लड़ते आवारा पशु भी हैं सड़क दुर्घटनाओं का कारण। अब खबरें विस्तार से। खरमासा रोड स्थित होली एंजल पब्लिक स्कूल में क्रिसमस के उपलक्ष्य पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिंगल बेल गीत के साथ हुई। क्रिसमस के अवसर पर बच्चों को सेंटा द्वारा उपहार दिए गए, साथ ही विद्यालय के स्टाफ द्वारा भी एक दूसरे को उपहार देकर क्रिसमस डे मनाया गया। इस दौरान बच्चों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया गया जिसका शीर्षक बालिका शिक्षा था। In our nose open sleigh, two ride in our nose open sleigh, hey jingle bell jingle. काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में लगातार विद्युत विभाग टीम द्वारा कड़ा विद्युत चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें विद्युत विभाग के उपखंड अधिकारी महक मिश्रा ने ग्राम ढके गुलाबों में विद्युत चेकिंग अभियान चलाते हुए एक व्यक्ति को विद्युत चोरी करते पकड़ा। पकड़े गए युवक के विरुद्ध विद्युत अधिनियम 135 में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गयी है। बाजपुर रोड स्थित सत्येन चंद गुड़िया लॉ कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत वीरेंद्र कुमार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से डॉक्टरेट की उपाधि से अलंकृत किया गया है। उक्त जानकारी देते हुए लॉ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर RN सिंह ने बताया कि वीरेंद्र कुमार को उनके शीर्षक अनुसूचित जाति के सामाजिक परिवर्तन में विधि की भूमिका, पूर्वी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एक विशेष अध्ययन विषय पर अलंकरण समारोह की मुख्य अतिथि, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एवं कार्य के विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आनंद के त्यागी द्वारा शोध उपाधि प्रदान की गई। आपको बता दें कि वीरेंद्र कुमार ने इससे पूर्व वर्ष 2008 में विधि विषय में UGC नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लीजिए। अपनों को करीब लाए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ TC द्वारा चलाए जा रहे वांछित आरोपियों की धरपकड़ हेतु अभियान में कुंडेश्वरी चौकी पुलिस ने एक अभियुक्त गुरदास सिंह निवासी एस्कॉर्ट फार्म को कोर्ट रोड से गिरफ्तार किया। पकड़े गए अभियुक्त के विरुद्ध NBW एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार लगातार क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस और CPU टीम लगातार कड़ा वाहन चेकिंग अभियान चला रही है, जिस कड़ी में आज टीम द्वारा ओवर स्पीडिंग, बिना हेलमेट ट्रिपल राइडिंग, ओवरलोडिंग, रैश ड्राइविंग और ड्रिंक एंड ड्राइव के विरुद्ध 50 चालान किए गए। उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार काशीपुर ट्रैफिक पुलिस और CPU द्वारा रोज हमारे द्वारा ओवर स्पीडिंग, विदाउट हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, रॉन्ग साइड और नो पार्किंग के चालान किए जाते हैं। तो इसी पर आज हमारे द्वारा लगभग 30 चालान ट्रैफिक पुलिस द्वारा और कम से कम 20 चालान CPU काशीपुर द्वारा किए गए हैं, जो ओवर स्पीडिंग के, विदाउट हेलमेट के, ट्रिपल राइडिंग के, ओवर हैंगिंग के, ओवर राइड ले जाते हैं उसके चालान किए गए हैं, नो पार्किंग के चालान किए गए हैं। और लगातार ये कार्रवाई पूरे काशीपुर शहर में की जा रही है ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। और इसी के साथ मैं यहाँ की जनता से अपील भी करता हूँ कि यातायात नियमों का पालन करें, ओवर स्पीडिंग ना करें, रैश ड्राइविंग ना करें और बिना हेलमेट गाड़ी ना चलाएं। काशीपुर भाजपा नेता दीपक बाली ने काशीपुर के विकास के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा। आपको बता दें BJP नेता दीपक बाली ने जनहित को ध्यान में रखते हुए काशीपुर के विकास कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मांग पत्र सौंपकर नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में सड़कों, नालों, नालियों, पुलियों, सुलभ शौचालयों, निगम परिसर में टैक्स भवन तथा दुकानों की छत पर हॉल बनाने हेतु शीघ्र वांछित धन उपलब्ध कराने की मांग की।
कुंडेश्वरी रोड स्थित समर स्टडी हॉल विद्यालय के प्रांगण में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रथम विश्व शांति सदस्यता अभिभावकों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के विशेष आमंत्रित सदस्य मयंक जोशी का विद्यालय के प्रधानाचार्य अनुज भाटिया ने पुष्प देकर स्वागत किया। वहीं रिजॉर्ट पर्सन संजीव पांडे का भी विद्यालय के डायरेक्टर शशांक कुमार सिंह ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों ने विषय अनुरूप अपने विषय पर विचार प्रस्तुत किए। इसके पश्चात कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कोर्ट रूम ड्रामा प्रस्तुत किया गया। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। जहाँ एक और सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उसकी मुख्य वजह सड़क पर घूमते आवारा पशु भी हैं। इस प्रकार की एक वीडियो कैमरे में कैद हुई महाराणा प्रताप फ्लाईओवर के पास की, जहाँ 2 गौवंशीय पशु रामनगर मुरादाबाद मुख्य सड़क पर आपस में लड़ते दिखाई दिए। काशीपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल से।